आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सबों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों से आधा सीसी का दर्द, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, उसके लक्षणों और उसके उपयोगी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर वाकई में आप आधा सीसी का दर्द यानी कि माइग्रेन से ग्रसित हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप उसके लक्षण के हिसाब से सही दवा के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आधा सीसी का दर्द होता क्या है? पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें, सिर के किसी एक तरफ दाएं या बाएं होने वाला असहनीय दर्द, जो आमतौर पर उल्टी होने के बाद शांत हो, वो आधा सीसी का दर्द यानी कि माइग्रेन कहलाता है। रोगी दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो चुपचाप शांत वो लेटे रहना चाहता है। आइए आज हम माइग्रेन के कुछ खास लक्षणों व उसके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जब आधे सीसी का दर्द तेज धूप लगने व वेल्डिंग या तेज रोशनी में काम करने से बढ़े, तो ऐसे में ग्लोनाइन 30 जी हाँ, ग्लोनाइन 30 दिन में 4 बार नित्य लें, इससे आपको माइग्रेन में अप्रत्याशित लाभ मिलता दिखेगा। जब सर दर्द सिर के केवल दाहिनी तरफ हो, ध्यान रखें दोस्तों, जब सर दर्द सिर के केवल दाईं ओर यानी कि राइट साइडेड हो, तो ऐसे में रोगी को सेंगुनेरिया कैन 30 जी हाँ, सेंगुनेरिया कैन 30 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम लेनी चाहिए, इससे माइग्रेन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जब सर दर्द सिर में केवल बाईं ओर हो, इसे भी ध्यान से सुने, जब सर दर्द सिर के केवल बाईं तरफ हो यानी कि लेफ्ट साइडेड हो, और वो रोगी शोर शराबा व रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त न कर सके, तो ऐसे रोगी को एस्पाइजेलिया 30 जी हाँ, एस्पाइजेलिया 30 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम नियमित लेनी चाहिए, तब तक जब तक उसका माइग्रेन ठीक ना हो जाए। जब सर दर्द बाईं ओर लेटने या सोने से बढ़े, उल्टी होने या थोड़ा मासिक स्राव हो जाने पर दर्द में थोड़ा आराम मिले, तो ऐसे में दोस्तों लैकसिस 200 जी हाँ, लैकसिस 200 नियमित सुबह शाम 2 खुराक 1 हफ्ते तक लेते रहने से इस समस्या का समाधान हो जाता है, यानी ये आपको माइग्रेन से छुटकारा मिल जाएगा। जब बहुत ही तेज दर्द हो, ऐसा दर्द जिसे रोगी बिल्कुल ही बर्दाश्त न कर सके, तो दोस्तों ऐसे में डैमियाना क्यू
जी हाँ, डैमियाना क्यू की 20 बूंदों की एक खुराक एक एक घंटे पर दो तीन खुराक देने से सिर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने माइग्रेन के तकरीबन सारे लक्षणों और उसके उपयोगी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी विस्तार पूर्वक देने की कोशिश की है, ताकि आप आसानी से अपने लक्षण के हिसाब से सही दवा का सेवन कर माइग्रेन से छुटकारा पा सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।